Hello everyone, you all are most welcome here in this class. We will talk about present tense. Ram studies, Ram padhta hai, Ram is studying, Ram padh raha hai, Ram has studied, Ram ne padh liya, Ram has been studying since morning, Ram subah se padh raha hai. So present tense के चार रूप हैं, तो इन रूप पे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है. राम स्टडीज, राम पढ़ रहा है. राम इज स्टडींग, राम पढ़ रहा है. राम स्टडीज, राम पढ़ता है. राम इज स्टडींग, राम पढ़ रहा है. राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है. राम हैज बीन स्टडींग सिंस मॉर्निंग, इस तरह के. तो उसको अब यहाँ आप ये देखिए, थोड़ा बातचीत पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम लोग को बातचीत पर फोकस करना है. मनीष, डू यू स्टडी इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? मनीष, मनीष से कहा जा रहा है कि डू यू स्टडी इंग्लिश? तो यस आई डू, हाँ मैं पढ़ता हूँ. अब यहाँ पे स्टडी को आप अलग कुछ कर सकते हैं. डू यू सीट हेयर, डू यू गो, डू यू गो टू स्कूल, Do you read? Do you study? कुछ भी आप जोड़ सकते हैं. Does Lata come to your house? Does Lata come to your house? क्या लता तुम्हारे घर आती है? Yes, she comes sometime. हाँ, वो आती है कभी कभी. She comes sometime. Do other friends also come to you? क्या दूसरे मित्र, दूसरे दोस्त भी तुम्हारे पास आते हैं? दूसरे फ्रेंड भी. डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? यस दे डू, हाँ वे आते हैं. दे डू. डू यू स्टे इन मुंबई? डू यू स्टे इन मुंबई? क्या तुम मुंबई में रहते हो? स्टे मतलब रहना, ठहरना. ये यहाँ पे ये भी हो सकता है. डू यू रिसाइड इन मुंबई? रिसाइड का मतलब भी रहना. रिसाइड स्टे. नो आई स्टे इन कोलकाता. नहीं, मैं कलकत्ता में रहता हूँ. तो इसको देखिए, फिर से मैं इसको प्रैक्टिस कर लेता हूँ. इस छोटे छोटे सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करें डेली. डू यू स्टडी इंग्लिश? यस आई डू. डज लता कम टू योर हाउस? यस शी कम्स समटाइम. डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? यस दे डू. डू यू स्टे इन मुंबई? नो आई स्टे इन कोलकाता. अगेन, डू यू स्टडी इंग्लिश? Yes, I do. Does Lata come to your house? Yes, she comes sometimes. Do other friends also come to you? Yes, they do. Do you stay in Mumbai? No, I stay in Kolkata. Thank you. All the best. तो ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस को डेली, एक मतलब वीडियो को आप 10 बार सुनिए, सुनते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए. बार बार सुनिए जो मैं बोलता हूँ, आप भी बोलिए. और आप क्या कह रहे हैं कि इतना बोलने के बाद जब आपके जहन में ये 5 सेंटेंस आ जाता है, तो उसको आप अकेले में आईने के सामने बोलिए, जोर जोर से बोलिए. ठीक है, बोलने में शर्माना नहीं है. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.